आजमगढ़ में रिकाउंटिंग को लेकर मंगलवार के दिन बवाल हो गया। इस दौरान पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई, जमकर पथराव हुआ, पुलिस ने लाठियां भांजी। बवाल बढ़ता देख हवाई फायरिंग भी की गई। आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग करीब 2 घंटे जाम रहा। फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है। आजमगढ़ के सहानागंज ब्लॉक के धरवारा जिला पंचायत ओबीसी सीट पर एक दिन पूर्व ही काउंटिंग के बाद नंदलाल चौहान को 1190 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया था। हालांकि इस दौरान दूसरे नंबर पर रहे कन्हैया कुमार राव ने अपने एजेंटों की गणना में खुद को 190 वोटों से जीतने का दावा करते हुए आपत्ति जताई और रिकाउंटिंग की मांग की। कल चुनाव अधिकारियों ने किसी तरह दोनों पक्षों को वापस कर आज एक बार फिर कन्हैया कुमार और उनके कुछ समर्थक सहानागंज ब्लॉक पहुंचकर रिकाउंटिंग की मांग करने लगे, जिसके बाद संबंधित अधिकारी ने सीओ और एसडीएम को सूचना दे दी। मौके पर पुलिस बल के साथ अधिकारीगढ़ पहुंचे और प्रत्याशी व उनके समर्थकों को वहां से भगा। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने परदेसी मोड़ के पास से कार सवार कन्हैया कुमार राव को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद हंगामा मच गया और सैकड़ों की संख्या ग्रामीण गोधौरा के पास ब्लॉक मोड़ पर बवाल करने लगे तथा चक्का जाम कर दिया। जब पुलिस बल उनको भगाने को पहुंचा तो पथराव शुरू हो गया। इस दौरान पुलिस ने लाठीबाजी और हवाई फायरिंग की बात सामने आई। घटना को लेकर आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया। करीब 2 घंटे बाद पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आजमगढ़ से रतन प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। महेंद्र प्रताप यादव, तो क्या पूरा मामला क्या है? सर, पूरा मामला है कि हम लोग जब अपने लिस्ट से उनका लिस्ट मिलान किए तो हम लोग 2 फ्लोर से चुनाव कन्हैया कुमार जीत रहे थे। आरो साहब क्या सर, अपनी लिस्ट से हमारी लिस्ट को मिलान कर लीजिए, अगर आपका सही था जो भी आप मिलान करके तब भेज दीजिए वहाँ प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो बैठाए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद कुछ देर बाद सीओ सिटी को बुला करके और कह कि हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और लिस्ट देखने नहीं दे रहे हैं और फिर लिस्ट लेकर चलेगा। सर, मुकदमा में चुनाव से निकल गया है, उसके बाद सर कहाँ यहाँ पर मिला है, आगे जाना पड़ेगा, यही सर बात हुई थी। तो उसी मांग के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, तो बात उठती है हमको सर पूरा लिस्ट दिखा दीजिए हम लोग को, हम लोग भी संतुष्ट हो जाए कि मैं चुनाव हरा हूँ कि जीता हूँ। हमारा प्रचार के लिए जन जन हमारा प्रचार कर रहा था। मैं अगली बार चुनाव आ गया था, मैं 10 साल से लगातार मैं क्षेत्र में प्रचार कर रहा था। जनता की सहानुभूति मेरे लिए सभी लोगों को था। मतलब आपका कहना कि मैं चुनाव जीत चुका था और मुझे हराया जा रहा है। जी, आप प्रशासन पे आरोप मतलब क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मैं यही मांग कर रहा सर कि फिर से सर्दिंग की आए, मैं चुनाव से निकल गया है, उसके बाद सर कहाँ यहाँ पर मिला है, आगे जाना पड़ेगा, यही सर बात हुई थी। तो उसी मांग के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, तो बात उठती है हमको सर पूरा लिस्ट दिखा दीजिए हम लोग को, हम लोग भी संतुष्ट हो जाए कि मैं चुनाव हरा हूँ कि जीता हूँ। महेंद्र प्रताप यादव, तो क्या पूरा मामला क्या है? सर, पूरा मामला है कि हम लोग जब अपने लिस्ट से उनका लिस्ट मिलान किए तो हम लोग 2 फ्लोर से चुनाव कन्हैया कुमार जीत रहे थे। आरो साहब क्या सर, अपनी लिस्ट से हमारी लिस्ट को मिलान कर लीजिए, अगर आपका सही था जो भी आप मिलान करके तब भेज दीजिए वहाँ प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो बैठाए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद कुछ देर बाद सीओ सिटी को बुला करके और कह कि हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और लिस्ट देखने नहीं दे रहे हैं और फिर लिस्ट लेकर चलेगा। सर, मुकदमा कर रहे हैं कि आप मांग कर रहे हैं, आप मुकदमा करेंगे, मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, हम अपनी बात कर रहे हैं। सड़कों पे आपने जाम लगाया, कैसा क्या मतलब किस मामले को लेकर जाम लगाने की? COVID-19 का भी चल रहा है प्रोटोकॉल, जिससे हम लोग सर हम लोग अभी 2 लोग लगाए थे, ठीक है, जिससे हमारे जो समर्थक हैं हर लोग जैसे औरत से सभी लोग क्षेत्र में लगे थे। हमारा प्रचार के लिए जन जन हमारा प्रचार कर रहा था। मैं अगली बार चुनाव आ गया था, मैं 10 साल से लगातार मैं क्षेत्र में प्रचार कर रहा था। जनता की सहानुभूति मेरे लिए सभी लोगों को था। मतलब आपका कहना कि मैं चुनाव जीत चुका था और मुझे हराया जा रहा है। जी, आप प्रशासन पे आरोप मतलब क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मैं यही मांग कर रहा सर कि फिर से सर्दिंग की आए। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है सर, 200-250 वोट से आगे सर जा रहे थे कन्हैया भैया, फिर कहां से बीच में घपला कर दिए लोग, लाइट बुझा करके धरवारा क्षेत्र से,
भरवारा क्षेत्र से। चोरी पूरी सारी सर की गई है। कन्हैया कुमार लिखते हैं और ये कल करीब 900 से ऊपर वोटों से हार गए थे और कल इनके सारे एजेंटों द्वारा सहमति पत्र पर दस्तखत किए गए थे, फाइनल रिजल्ट पे भी दस्तखत किया गया था। आज ये पुणे वहाँ पर ब्लॉक पर पहुँचे और इनके द्वारा रिकाउंटिंग की मांग की गई, जबकि कोई उसका औचित्य नहीं था क्योंकि सारे बक्से सील हो गए थे। पुलिस द्वारा इन्हें समझाया गया तो वहाँ पर इनके द्वारा 100-150 लोगों द्वारा जाम लगाया गया। पुलिस द्वारा इन्हें हल्का बल प्रयोग करके तितर बितर किया गया और कन्हैया कुमार को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया, इन्हें पुनः समझाया गया, लेकिन इनके द्वारा पब्लिक को, जो गोधरा गांव की जो पब्लिक है जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ इनके द्वारा उन्हें भड़काया गया और बहुत काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष वहाँ पर रोड पर जाम किए। करीब 2 घंटे 2.5 घंटे इन्हें समझाया गया, सब हाथ में डंडा और ईंटा पत्थर लिए हुए थे, कुछ लोग उसमें तमंचा भी लिए हुए थे और इनके द्वारा जब समझाया गया और इन्हें हटाने का प्रयास किया गया रोड पर 2.5 घंटे बाद, तो इनके द्वारा पुलिस को पथराव किया गया, फायरिंग भी की गई, पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके इन्हें खदेड़ा गया और उसमें से काफ़ी लोगों को जो मौके पर थे गिरफ्तार किया गया, उसमें महिलाएं भी थी जो गिरफ्तार की गई हैं और कन्हैया को भी गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ जो अन्य लोग थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। अभी मौके पर शांति है और इसमें कुछ लोग जो मोटरसाइकिल से आए थे उनकी मोटरसाइकिलें भी मौके पर छूट गई थी, उन्हें सीज किया गया है, गाड़ियों को सीज किया गया है और उनके नंबर से पता लगाया जाएगा कि कौन उपद्रव करने वाले कौन लोग थे। इसमें कुछ पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं और मेरी स्वयं की गाड़ी का शीशा भी टूटा है और इनके द्वारा जो रोड पर गुमटी वगैरह रखी हुई लगेगी उसमें भी आग लग जाएगी। तो पूरा उपद्रव इनके द्वारा गया, पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके इन्हें खदेड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है और मौके पर पहुंचते समय। सर, मतगणना के दिन जो बवाल हुआ सर, कहीं इनका तो हाथ नहीं या फिर कहीं उसमें करोत का भी आ रहा था नाम सर, कि करोत में भी एक वोट से जितने हारने का लेकर के बवाल हुआ था सर? देखिए, वो कोई ना, दोनों पक्ष अपना शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने जो टेबुलेशन थी वो कराई थी और उसमें संतुष्ट होके गए थे। कल फिर जो दूसरा ब्लॉक था जिसमें कृष्ण मुरारी जी के परिवार का सदस्य था और उधर एक दूसरा सदस्य था, उनके द्वारा भी शांतिपूर्ण ढंग से टेबुलेशन कराई गई और 36 वोट से कृष्ण मुरारी जी, वहाँ भी कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने कल पूरा सहमति पत्र पे और लगभग 950 से ऊपर वोटों से दूसरे पक्षी जीत होने के बाद इंटेंसली इनके द्वारा बवाल किया गया, रिकाउंटिंग मांग की गई और जब इन्हें समझाया गया और चल के हेडक्वार्टर बात करने के लिए कहा गया तो इनके द्वारा पथराव किया गया और पुलिस की जो गाड़ियां हैं, जो पब्लिक का जो घूंटी वगैरह है उसे क्षतिग्रस्त किया गया, मुकदमा अभी पंजीकृत किया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी वैधानिक कार्रवाई। लगभग सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है सर?